तो भाई लोग लाइफ में पहली बार इतना जल्दी उठा हूं मैं, क्योंकि आज घर निकलना था। आकाश तो फुल रेडी वेडी होके आ गए हैं, मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुआ हूँ, अभी मेरे को रेडी होना है। और मैं नमस्ते बोलना चाहूंगा मेरे भाई लोगों को और जितने भी यहाँ के फीमेल ऑडियंस है उनको, क्योंकि किसी ने कमेंट मारा था कि ये सिर्फ भाई लोग के लिए बनाते हो क्या, तो उसको भी नमस्ते बोलना चाहूंगा मैं। तो आज मैं निकल रहा हूँ घर अपने बखानजूर, अच्छा लग रहा है बहुत, बट कुछ काम से ही निकल रहा हूँ। और मैं जो ये घर जा रहा हूँ, ना कि मैं बस में जा रहा हूँ ना ट्रेन में जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ मैं अपने लैम्बोर्गिनी में। मैं रुको आपको अपनी लैम्बोर्गिनी दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। तो भाई लोग इधर रखी हुई है मेरी लैम्बोर्गिनी, ये रहा ना, इसमें जाने वाला हूँ आज मैं। एक्चुअली दिक्कत ये आ रही है कि जो मेरी लैम्बोर्गिनी है, मेरी जो स्कूटी है वो ना एक्चुअली उसको मनाना पड़ता है, हर एक हफ्ता में एक बार उसको मनाना पड़ता है। और यू नो आपके भाई के अंदर एटीट्यूड है, एटीट्यूड वो ना उतना मना नहीं सकता। अरे कहना क्या चाहते हो, खराब होते रहता है, हफ्ते में एक दिन खराब होगा ही। तो आपके भाई के पास उतना पैसा आया नहीं कि हर हफ्ते उसको मनाते रहे, तो अभी उसको जाके घर में रख के पापा का बाइक लेके आना है। तो मैं भी रेडी वेडी होके आपसे मिलता हूँ। तो भैया देख के नहीं लग रहा हूँ कि मैं रेडी हो चुका हूँ, बट हाँ मैं रेडी हो चुका हूँ, वो तो पहले ही रेडी था। अभी हम लोग निकलने वाले हैं, चलो निकलते हैं। भाई जैसे कि मैंने बताया था, अभी जस्ट हम लोग अवनपुर पहुंचे और गाड़ी फिर से धोखा दे दी, फिर से खराब हो चुकी है। फिर से हम लोग अवनपुर के गैरेज में आए इसको ठीक कराने के लिए। पता नहीं कैसे चलेगा, इसे कैसे चलेगा, दोनों खड़े हैं यहाँ पे यार, देखते अभी क्या होता है। हेलो, गाड़ी अभी बन चुकी है, लगभग एक घंटे हम लोग यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे चंचल ऑटो पार्ट्स में आए थे, भैया ने बना दिया। गाड़ी खराब होती रहती है, अभी किसी तरह हम लोग बस पहुंच जाए। ये तो किसकी गाड़ी चोरी कर रहा है, शर्म नहीं है तेरे को? नहीं। चलो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से हम लोग, यार बहुत टाइम इधर वेस्ट हो गया है। हम लोग कितने बजे निकले थे सुबह? सुबह 8 बजे। 8 बजे हम लोग घर से निकले रायपुर से। हम लोग अभी जाना है कितने किलोमीटर? 250 किलोमीटर। कम से कम 250 किलोमीटर हम लोग स्कूटी में ट्रेवल करना है। और भाई 20 किलोमीटर आते ही धोखा दे दिया, अभी निकलते हैं यहाँ से। A few moments later. भाई जिंदगी में ऐसे ऐसे लगे हुए हैं हमारे तो नहीं पता, लेकिन मेरे बहुत लगे हुए हैं। गाड़ी खराब हो गया, ले देके कुछ भले इंसान मिले चढ़ा दिए हम लोग के साथ मिलके, गाड़ी हो ना ट्रक के ऊपर और हम लोग जाएंगे अभी ट्रक पे। लेकिन गाड़ी आज मैं किसी भी तरह घर लेके जाने वाला हूँ। जा मैं बैग रख लेता हूँ। हाँ रुक जा भाई, मैं बैग रख के आता हूँ। और ये भाई अभी गाड़ी को बांधने वाले हम लोग, मैं तो सब बैग रख देता हूँ अंदर। तो भाई लोग यहाँ पे ना हम लोग को कुछ लोग मिल गए थे, तो उन लोग रोड से जा रहे थे तो हम लोग उनको रोके, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, तो हम लोग साथ मिल के गाड़ी ऊपर चढ़ा दिया। और ये अंकल जो गाड़ी को बांध रहे अभी, लेकिन बहुत मुश्किल लगा ऊपर चढ़ाने के लिए। अभी इसको बस अच्छे तरह से लेके जाना है माकड़ी में जाके, फिर हम लोग को चेंज करना है, तो उतने टाइम के लिए ये यहीं पर रहेगी। तो भाई लोग अभी आकाश और मैं बैठ चुके हैं ट्रक पे, है ना, गाड़ी नीचे लोड कर दी है और ये भैया मिल गए। तो और पहली बार ट्रक पे बैठा हूँ, है ना,
अभी निकलने वाले हैं, अभी यहाँ से सीधा माकड़ी जाएंगे और माकड़ी से देखते हैं क्या व्यवस्था होता है आगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे माकड़ी और माकड़ी से देखेंगे क्या व्यवस्था होता है, वहाँ से मिलता है कि नहीं। अभी तो ट्रक पे ही बैठे हुए हैं, इसका टाइटल भी मेरे को मिल गया ब्लॉग का गोइंग बखाजी रायपुर टू बखाजी गोना रॉन्ग। फिर दोस्तों हम निकल पड़े ट्रक की सुहानी सफर में। फिर ना दोस्तों हम थोड़ी देर आगे गए, लेकिन वहाँ पे हम लोग देखे कि एक ट्रक जो ना पलट चुकी थी, शायद बहुत स्पीड में आ रही थी और गाड़ी मोड़ने के चक्कर में बहुत स्पीड में वहीं पे गिर गई। कसम से भाई ये जो सामने दिख रहा है फुल सस्ता एमसी स्टैंड दिख रहा है मेरे को तो। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है। तो भाई लोग अभी हम लोग थोड़ी सी दूर है मकड़ी ढाबा के, और अभी ये कौन सा ढाबा है रे? बस्तर ढाबा। अभी हम लोग अभी बस्तर ढाबा पे रुके हुए हैं। ये भैया नहा धो रहे होंगे, मेरे को नहीं पता क्या कर रहे होंगे। चाय पीने गए ना, तो ये बस्तर ढाबा है ना। हाँ बस अभी थोड़ी देर में हम लोग माकड़ी पहुंच जाएंगे, फिर उधर से गाड़ी उतारना है, फिर देखते गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं। गाड़ी दिखाते एक बार। ये देखो ये यहाँ गाड़ी रखा हुआ है, स्कूटी इसके ऊपर पीछे डाल दिया। ये हमारा सुजल ब्रो, क्या दिखा रहा है? ये आज का ट्रक ड्राइवर है। थैंक यू। तो भाई लोगों मैं ट्रक चलाने वाला हूँ वहां पे बैठ के, ठीक है ना। और ट्रक अंदर से बहुत मतलब बड़ा है, मैं पहले सोचा नहीं था इतना जगह होगा अंदर रखने के लिए। बस कंडीशन यहाँ का तो सर ठीक नहीं है, तो सर साफ सफाई चाहिए था, पर ठीक है अब अकेले रहते हैं वो भैया है ना, चलाने में दिक्कत भी आता होगा ना गाड़ी वाड़ी। सही है, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई लोग हम लोग उतर चुके हैं माकड़ी के ढाबा में, और भी हम लोग नहीं मतलब देखे नहीं कि गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। मेरा भाई था काम आ रहा है उसको, और हम लोग अभी शायद समोसा खाएंगे। हम लोग अभी कितने किलोमीटर पार करनी है? कम से कम 150। हाँ वैसे ही, नहीं 150 नहीं, आराम से भाई। यहाँ से भानु कितना है? 50 होगा भानु यहाँ से ना। 150 किलोमीटर बिना गाड़ी चलाए स्कूटी लेके आ गया रायपुर से। टैलेंट बोलते ब्रो, टैलेंट। तो भाई इसी बीच रुके हम लोग नाश्ता करने के लिए। तो भाई लोग उस टाइम मैं दिखा नहीं पाया, पर जब माकड़ी में था तो ले देखे ना गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो हम लोग तुरंत बैठे और तुरंत वहां से निकल पड़े। गाड़ी आप देख रहे होंगे वो उस साइड रखी हुई है, वो जो उधर है उस साइड, और ये आकाश इधर बैठा हुआ है क्योंकि गाड़ी फिर से बंद हो गई है। वो मिनिमम 25 किलोमीटर चली है, तो उसको ना मतलब उसका ना कॉयल खराब हो चुका है जो कि गर्म हो जाता है, तो उसको भी धीरे धीरे करके ऐसे लेके जाना है। अभी 10 मिनट का रेस्ट लेके फिर उसको चालू करना, फिर उसको लेके जाएंगे हम लोग। क्या करे, लाइफ है, जी रहे हैं इसी तरह। हाँ जब लेते हैं ना लाइफ अच्छी तरह से ले लेता है इंसान का, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है तो मिलते हैं आपसे, अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठे रहेंगे मैं और आकाश। जंगल दिखा के आते हैं। जंगल दिखाना है क्या आपको? उधर उधर भालू वालू हो सकता है, शेर वेर हो सकता है। नहीं शेर अभी चुप रहे, उनको थोड़ी पता है हम गधे। पब्लिक तेरे जैसे गधा नहीं है, समझा? क्या करे भाई आप खड़े खड़े कुछ समझ नहीं आ रहा है भे। गिल्ली डंडा खेलते हैं। चल सकल का तो पूरा धूल धूल हो गया, यहाँ पे पुलिस वाले बनते हैं वहाँ पे खड़े रहेंगे, पैसा जब्ती करेंगे। यूनिफॉर्म भी नहीं है यार पुलिस ने, हम बोलेंगे हम लोग तो सिविल में काज वो करते हैं। क्या तू करता नहीं है? क्या पत्ता लपेटता है वो वाला, वो करते है। वो क्या होता है? कुछ नहीं, समझिएगा पब्लिक समझिएगा, पता नहीं क्या बोलना चाहता है। फिर ना भाई लोग हम लोग वहाँ पे बहुत टाइम खड़े थे, फिर जाके लगभग आधा घंटे बाद जाके गाड़ी स्टार्ट हुई है, और अभी हम लोग गाड़ी बंद ही नहीं कर सकते। हम लोग जैसे स्पीड में इसको धीरे धीरे लेके जा रहे हैं अपने घर तक, मीन्स अभी दुर्कुंदल जाना है, फिर दुर्कुंदल से वहाँ से बाइक लेके निकलूँगा।
तो भाई लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद, आप लोगों को पता है बहुत मेहनत की हम लोग, और हम लोग पहुंच चुके हैं या पखंजूर। और अभी मैं आया हूँ आकाश को छोड़ने। भाई कैसा रहा सफर ये बता। नहीं मैं रुकूंगा नहीं, जाना है मेरे को। खतरों से भरा था, खतरों के खिलाड़ी बने बाकी। अलग एक मजा था। सही बोला। तो बाय बाय बोलते थोड़ा सा ऑडियंस को हमारे, बाकी बाय बाय गाइस, मिलते हैं वापस रायपुर जाने के ट्रिप में। नहीं अभी कल शायद मेला भी जा सकते हम लोग, कल मेला भी जाएंगे और मेला भी दिखाएंगे। भाई यहाँ का फेमस सबसे चीज वो तो दिखाना ही है। तो मैं अभी इसको छोड़ने आ गया था इसके घर, तो यहाँ से मैं निकलूंगा अपने घर। यहाँ से शायद 1 किलोमीटर होगा मेरा घर, है ना, वैसे ही होगा। तो निकलता हूँ। वो देखो आ रहा है ईद का चांद। ये झूठा इंसान है, महा झूठा इंसान है, इसके जैसा झूठा इंसान आप कहीं पे देखोगे ही नहीं। भले ही ईद का चांद है, बहुत दिनों बाद मिल रहा है, लेकिन झूठा इंसान है। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ दोस्तों। बहुत थकान लग गया है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू यार, मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, आपको पता ही है इतना थक चुका हूँ। ठीक है, आपसे फिर मिलता हूँ।